बराबर लग रहा है थोड़ी देर के लिए। ओके जी, आपके नाम?
मेरा नाम जन्म चंद्र मोलाय जी। आपकी जमीन को आपने डोनेट किया है? हाँ जी। क्यों? ये थोड़ा संस्था वाले गांव के लिए काम कर रहे हैं ना जी, इसलिए मैं गांव के लिए काम कर रहे हैं तो जगह देने में क्या अर्जा दे दिया। आपके पास कितनी कितनी जमीन है? जमीन 80-85 नाली करीब है। आपके चारे चारे जमीन के इरिगेटेड है? नहीं, आधी इरिगेटेड है, आधी तो ऐसे ही बरसाती है। नॉन इरिगेटेड जमीन में फर्क क्या होता है? फ़र्क ये जी कि नॉन इरिगेटेड में अगर बारिश हो गई तो फसल पूरी हो जाती है, नहीं तो फसल थोड़ी कम ही हो जाती है। कितना कम? जिस हिसाब से बारिश हुई, अगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो फसल बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक एक नाली में कितना? नॉन इरिगेटेड में, इरिगेटेड में तो एक नाली में धान तो हो जाता है 1.5 बोरी करीब, और गेहूँ मेरे ख्याल से उसका आधा ही होता है। पानी के नॉन इरिगेटेड लैंड को अगर 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 इरिगेटेड बनाया जाए तो आपको तो बहुत, हाँ फिर तो बहुत फायदा है जी। फायदे कुछ कर रहे हैं।